मैंने मदद का हाथ बढ़ाया। आई एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड। आई एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड मीन्स मैंने मदद का हाथ बढ़ाया। आई एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड। लाओ मैं लिए चलता हूँ। लेट मी कैरी दिस फॉर यू। लेट मी कैरी दिस फॉर यू मीन्स लाओ मैं लिए चलता हूँ। लेट मी कैरी दिस फॉर यू। वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। शी वॉज इग्नोरिंग मी। शी वॉज इग्नोरिंग मी मीन्स वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। शी वॉज इग्नोरिंग मी। पूछ कर बताओ। आस्क एंड लेट मी नो। आस्क एंड लेट मी नो मीन्स पूछ कर बताओ। आस्क एंड लेट मी नो। मैं चाहता था कि वह जीत जाए। I wanted her to win. I wanted her to win means मैं चाहता था कि वह जीत जाए। I wanted her to win. तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। You spoiled my mood. You spoiled my mood means तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। You spoiled my mood. तुम उससे कब कब मिलते हो। How often do you meet her? How often do you meet her? Means तुम उससे कब कब मिलते हो। How often do you meet her? मुझे निराश मत करना। Don't let me down. Don't let me down means मुझे निराश मत करना। Don't let me down. यह अंदर की बात है। It's inner secret. It's inner secret मीन्स यह अंदर की बात है। इट्स इनर सीक्रेट। यह मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल फॉर मी। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल फॉर मी मीन्स यह मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल फॉर मी। इसके साथ ही आपको ये बताना है कि यही तो मेरी खासियत है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। यही तो मेरी खासियत है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा। आई डिडंट थिंक सो इवन फॉर अ मोमेंट। आई डिडंट थिंक सो इवन फॉर अ मोमेंट मीन्स मैंने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा। आई डिडंट थिंक सो इवन फॉर अ मोमेंट। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। Your trick will not succeed here. Your trick will not succeed here means यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। Your trick will not succeed here. उठो 8 बज गए। Wake up, it's 8 o'clock. Wake up, it's 8 o'clock means उठो 8 बज गए। Wake up, it's 8 o'clock. जल्दी करो, नाश्ता मेज पर रखा हुआ है। Go have your breakfast quickly. It's on the table. Go have your breakfast quickly. It's on the table. Means जल्दी करो, नाश्ता मेज पर रखा हुआ है। Go have your breakfast quickly. It's on the table. क्या मुसीबत है। What's the problem? What's the problem? मीन्स क्या मुसीबत है। What's the problem? क्या तुमने देखा, कैसे बोलेंगे। Did you see? Did you see? मीन्स क्या तुमने देखा। Did you see? और अगर बोलना हो कि सही कहा आपने तो कैसे बोलेंगे। You said it right. You said it right मीन्स सही कहा आपने। You said it right. अब कोई बहाना नहीं। No excuse anymore. No excuse anymore means अब कोई बहाना नहीं। No excuse anymore. क्या खाया आपने। What did you eat? What did you eat means क्या खाया आपने। What did you eat? यह मेरा काम है। It's my job. It's my job means यह मेरा काम है।
इट्स माई जॉब। वह हमारा घर है। दैट्स अवर हाउस। दैट्स अवर हाउस मीन्स वह हमारा घर है। दैट्स अवर हाउस। मेरे पास कुछ पेन है। आई हैव अ फ्यू पेन्स। आई हैव अ फ्यू पेन्स मीन्स मेरे पास कुछ पेन है। आई हैव अ फ्यू पेन्स। हम एक दूसरे को जानते हैं। वी नो ईच अदर। वी नो ईच अदर मीन्स हम एक दूसरे को जानते हैं। वी नो ईच अदर। वे अभी भी यहाँ है। ही इज स्टिल हेयर। ही इज स्टिल हेयर मीन्स वे अभी भी यहाँ है। ही इज स्टिल हेयर। इसे स्पष्ट रूप से कहो। से इट क्लियरली। से इट क्लियरली मीन्स इसे स्पष्ट रूप से कहो। से इट क्लियरली। हिचकिचाओ मत। डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट मीन्स हिचकिचाओ मत। डोंट हेजिटेट। नहीं चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड मीन्स नहीं चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड। इसके बदले दूसरा दे दो। एक्सचेंज दिस। एक्सचेंज दिस मीन्स इसके बदले दूसरा दे दो। एक्सचेंज दिस। इसे बदल दो। रिप्लेस इट। रिप्लेस इट मीन्स इसे बदल दो। रिप्लेस इट। इस तरफ से। दिस वे प्लीज। दिस वे प्लीज मीन्स इस तरफ से। दिस वे प्लीज। मुझे बता देना। इन्फॉर्म मी। इन्फॉर्म मी मीन्स मुझे बता देना। इन्फॉर्म मी। इसे वापस दे दो। गिव इट बैक। गिव इट बैक मीन्स इसे वापस दे दो। गिव इट बैक। मुझे वहां ले चलो। टेक मी देयर। टेक मी देयर मीन्स मुझे वहां ले चलो। टेक मी देयर। बिस्तर सही करो। मेक द बेड। मेक द बेड मीन्स बिस्तर सही करो। मेक द बेड। समय पर आना। कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आना। कम ऑन टाइम। हाथ मिलाओ। शेक हैंड। शेक हैंड मीन्स हाथ मिलाओ। शेक हैंड। उसके लिए रास्ता दो। मेक वे फॉर हिम। मेक वे फॉर हिम मीन्स उसके लिए रास्ता दो। मेक वे फॉर हिम। बाद में आना। कम बैक लेटर। कम बैक लेटर मीन्स बाद में आना। कम बैक लेटर। बिल ले आना। ब्रिंग द बिल। ब्रिंग द बिल मीन्स बिल ले आना। ब्रिंग द बिल। इसे ले जाओ। टेक इट अवे। टेक इट अवे मीन्स इसे ले जाओ। टेक इट अवे। गुस्सा मत हो। डोंट गेट एंग्री। डोंट गेट एंग्री मीन्स गुस्सा मत हो। डोंट गेट एंग्री। एक और दिखाओ। शो मी अनदर। शो मी अनदर मीन्स एक और दिखाओ। शो मी अनदर। इसे जल्दी करो। डू इट फास्ट। डू इट फास्ट मीन्स इसे जल्दी करो। डू इट फास्ट। जाकर खेलो। गो एंड प्ले। गो एंड प्ले मीन्स जाकर खेलो। गो एंड प्ले। इसे लिख लो। राइट इट डाउन। राइट इट डाउन मीन्स इसे लिख लो। राइट इट डाउन। बादल छाए हुए हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट मीन्स बादल छाए हुए हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट। 4 बजे हैं। इट्स 4 o'clock। इट्स 4 o'clock मीन्स 4 बजे हैं। इट्स 4 o'clock। 6:05 हुए हैं। इट्स 5 past 6।
इट्स 5 past 6 मीन्स 6:05 हुए हैं। इट्स 5 past 6। ये सारे सेंटेंस सीखने के बाद आपको ये बताना है कि अगर 5:06 हुए हैं तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। 5:06 हुए हैं, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। 4:15 है, इट्स 4:15। इट्स 4:15 मीन्स 4:15 है। इट्स 4:15। 4:30 है, इट्स 4:30। इट्स 4:30 मीन्स 4:30 है। इट्स 4:30। 5:45 है, इट्स 4:45। इट्स 4:45 मीन्स 5:45 है। इट्स 4:45। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।